नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 इसका पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। हमें तीन भुजाएं दी गई हैं, हमें देखना है कि यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। यदि यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी तो ये पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करेंगी। पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हम देखते हैं इनमें से जो सबसे बड़ी साइड है उसे हम मान लेते हैं कर्ण 100 सेंटीमीटर और बाकी दो भुजाओं को आधार और लंब मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यदि यह एक त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए हाइपोटेन्यूज है 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर बेस है 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 80 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करके देखते हैं। 100 का स्क्वायर होता है बच्चों 10,000। देखिए दो जीरो हैं तो इसका स्क्वायर होगा 4 जीरो, साथ में है सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। 50 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25 और जीरो का स्क्वायर होता है 2 जीरो, तो 50 का स्क्वायर होगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर होगा 8×8 = 64 और पीछे 2 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं बच्चों, हम इन्हें प्लस करके देखते हैं। यह है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 0000, यानी 2 जीरो में 2 जीरो प्लस किया 2 जीरो, 5 × 4 = 9 और 2 × 6 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने देखा कि एक तरफ हमारे पास आया है 10,000 और दूसरी तरफ आया है 8,900। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। और यदि ये बराबर नहीं है इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित नहीं हुई। और यदि पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित नहीं हुई इसका मतलब यह एक त्रिभुज नहीं है, यह एक त्रिभुज नहीं है। यदि ये बराबर आते तो हम कहते पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित हो गई है इसलिए यह एक त्रिभुज है। सॉरी, यह एक त्रिभुज नहीं बेटा, समकोण त्रिभुज नहीं है। यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। हमें यही देखना था कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो क्योंकि यह पाइथागोरस को प्रमेय को सत्यापित नहीं करता इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रथम प्रश्न का तीसरा भाग समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।